Hi guys, welcome to your favorite YouTube channel Facial Care on Self. आपको मेन चीज लेना है कोको पाउडर, तो ये मैं कोको पाउडर ले रही हूँ। पहले मैं टैन का पैक बना के दिखाऊंगी, टैन रिमूविंग पैक। तो इसके लिए आपको लेना है कोको पाउडर, हनी और लेमन। आधा चम्मच कोको पाउडर लीजिए, आधा चम्मच हनी ऐड कीजिए और लेमन का जूस एक चम्मच ऐड कीजिए। और इस पैक को एक थिक पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। ये कोको पाउडर से टैन रिमूविंग फेस पैक रेडी है। अभी मैं फेयरनेस पैक बना के दिखाऊंगी कोको पाउडर से। इसके लिए फिर से आपको कोको पाउडर लेना है और लेना है मुल्तानी मिट्टी और लेना है मिल्क, कोई भी मिल्क आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको 1/3 कोको पाउडर लेना है, 1/3 टेबलस्पून। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है और इसको मिल्क के साथ एक थिक पेस्ट बनाना है। ये कोको पाउडर से फेयरनेस फेस पैक मेरा रेडी है। अभी मैं ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कोको पाउडर को कैसे इस्तेमाल करना है वो दिखाऊंगी। ग्लोइंग फेस पैक बनाने के लिए फिर से आपको कोको पाउडर लेना है और उसके साथ लेना है दही और लेना है बादाम तेल यानी आमंड ऑयल। 1/3 चम्मच कोको पाउडर लीजिए, 1 चम्मच दही ऐड कीजिए और आमंड ऑयल लेना है 1/2 चम्मच। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये कोको पाउडर से मेरा ग्लोइंग फेस पैक भी रेडी है। तो ये तीन फेस पैक मैंने रेडी कर लिया है। ये है टैन रिमूविंग करने के लिए कोको पाउडर से फेस पैक और ये है फेयरनेस स्किन पाने के लिए कोको पाउडर से फेस पैक और ये है ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कोको पाउडर से फेस पैक। तो इन तीनों को ही मैं फेस इसके बाद अपने फेस में अप्लाई करके दिखाऊंगी और इन तीनों का क्या इंस्टेंट रिजल्ट आता है वो आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरा टैन रिमूविंग फेस पैक। पहले मैं टैन रिमूविंग फेस पैक को अप्लाई कर रही हूँ। कोको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहता है टैन रिमूव करने के लिए। इस फेस पैक को फ्रेंड्स आप अपने फेस में, कंधे में, हाथ पैर, बैक साइड में, जहाँ पे भी आपका टैन आया हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करके आपको आधा घंटा रख देना है और आधा घंटे बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। फ्रेंड्स, इस फेस पैक को लगाने के बाद शायद आप मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरा स्किन पूरा चॉकलेटी हो गया है और इसका स्मेल इतना अच्छा आ रहा है, लग रहा है मैं इसको खा लूँ। तो फ्रेंड्स, ये फेस पैक मैंने लगा लिया है, अभी तो मैं इसको खा नहीं सकती हूँ, तो डरिए मत। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको रख दूँगी आधा घंटे के लिए, आधा घंटे बाद आपके सामने इसको रिमूव करके इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, मेरा पैक अभी फुल ड्राई हो गया है। आधा घंटे बीतने के बाद ये फुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप उसको नॉर्मली जैसे पैक रिमूव करते हैं ऐसे आपको धो लेना है। ये बहुत ही अच्छा है, इसको रिमूव करते ही देखिएगा आपका जो भी टैन है वो बहुत हल्का हो जाएगा और इसको आप रेगुलरली हफ्ते में 3 से 5 दिन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं जल्दी से इसको धो के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ इसको, इसका फुल रिज़ल्ट। फ्रेंड्स मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए आप ही के सामने इसको रिमूव करके दिखा रही हूँ। अभी पोंछ भी रही हूँ आप ही के सामने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पोंछ लिया है, मेरा स्किन देखिए पहले से कितना ब्राइट लग रहा है, मेरा जो भी टैन था वो बहुत हल्का लग रहा है। इस पैक को आप हफ्ते में 3 से 5 दिन यूज़ करेंगे तो आपको मेरे से भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा।
अभी फ्रेंड्स मैं ये स्किन व्हाइटनिंग फेस पैक अप्लाई करूँगी। इसको भी आपको लगा के 20 से 25 मिनट रखना है अपने फेस में और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। जिनको भी स्किन को फेयर करना चाहते हैं, जो लोग अपनी स्किन टोन को लाइटन करना चाहते हैं, वो इस फेस पैक को अप्लाई करें हफ्ते में 4 से 5 दिन। और इसको लगा के आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। मैं थोड़ा आईने की मदद ले रही हूँ, यहाँ पे आईने को देख के मैं पूरा फेस में इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसको फुल फेस में अप्लाई करने के बाद मैं इसको रख दूँगी, उसके बाद रिमूव करके भी आपके सामने इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊँगी। फ्रेंड्स ये अलग अलग एक पैक है, तो इनमें से जो पैक आपका रिक्वायरमेंट हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले 10 पैक ही अप्लाई किया है, तो आपको 10 ही पैक अप्लाई करना है और उसके बाद फेयरनेस पैक अप्लाई करना है। कोई भी पैक जो आपका स्किन का रिक्वायरमेंट है उस पैक को आप अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स मैंने पैक को लगा लिया है, अभी मैं इसको 20 से 25 मिनट अपने चेहरे पे रखूँगी और उसके बाद आपके सामने लाइव दिखाऊँगी इसको रिमूव करके। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पैक अभी फुल ड्राई हो गया है, अभी मैं इसको रिमूव करूँगी आप ही के सामने। तो मैं इसको धो लेती हूँ, धोने के बाद इसको पोंछ के इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊँगी। तो इसको धोने से पहले आपको थोड़ा सा पानी से आपको पैक को सॉफ्ट कर लेना है, उसके बाद हल्का सा रब करके आपको इसको धो लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पैक को फुल रिमूव कर लिया है, धो भी लिया है और पोंछ भी लिया है। उसके बाद देखिए मेरा फेस कितना ब्राइट और फेयर लग रहा है। तो इस पैक को फ्रेंड्स आप ज़रूर यूज़ कीजिए, तो आपको मेरे से भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं इसको एक ही दिन अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। अभी चलिए फ्रेंड्स मैं ग्लोइंग फेस पैक को अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। इस फेस पैक को फ्रेंड्स आप हफ्ते में 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। आपका स्किन बहुत ज़्यादा रफ, डल, ड्राई है, तो आप इस फेस पैक को हफ्ते में 5 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। इस फेस पैक को लगा के भी आपको आधा घंटा रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस पैक है। इस फेस पैक को यूज़ करने के तुरंत बाद ही आपको एक ग्लोइंग स्किन मिल जाएगा। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी अच्छा परमानेंटली एक ग्लोइंग स्किन मिलेगा, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। इस फेस पैक को मैंने लगा लिया है, अभी फ्रेंड्स मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको रिमूव करके आपको दिखाऊँगी इस फेस पैक से मेरा स्किन में कितना ग्लो आता है। ये देखिए फ्रेंड्स 30 मिनट्स बाद मैं फिर से लौट के आई हूँ, ये आप ही के सामने मैं धो के दिखाऊंगी। ये एक ग्लोइंग फेस पैक है, तो ये फुल ड्राई नहीं होगा, आपका फेस को फुल ड्राई नहीं करेगा ये, तो ये सॉफ्ट ही रखेगा। आधा घंटे बाद भी ये सॉफ्ट ही रहेगा आपका फेस में। और इसको आपको हल्का रब करके आपको धोना है और इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद नॉर्मल वाटर से धोइएगा, धोने के बाद देखिएगा आपका स्किन में कितना ग्लो आता है। देखिए मैं धो रही हूँ, मेरा स्किन देखिए एकदम मक्खन की तरह नरम हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा स्किन को धोते वक्त ही अच्छा लग रहा है। मैं अभी इसको पोंछ के इसका रिजल्ट दिखाऊंगी आपको। मैंने धो लिया है, अभी मैं इसको पोंछ भी लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, देखिए मेरे स्किन में कितना ग्लो आ रहा है। ये एकदम स्किन को सॉफ्ट बना चुका है और स्किन में एक ग्लो भी आया है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। फ्रेंड्स इसको आपको यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कोको कितना अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिए।